हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो रैशनल नंबर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि रैशनल नंबर दो कॉम्बिनेशन से बना है। एक है फ्रैक्शन, एक है इंटीजर्स। इन दो इंटीजर्स में क्या है कि इंटीजर्स में क्या होता है भाई, इंटीजर्स में मैंने बताया है आप लोगों को कि तीन चीज़ें होती हैं। जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर निगेटिव। इसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन, मतलब हमें रैशनल नंबर में क्या रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर नंबर को और फ्रैक्शन नंबर्स को। तो पहले हम देखेंगे इंटीजर्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करें, फिर फ्रैक्शन को देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें। इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं होता। मीन्स कोई भी नंबर दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है। अब पहले ये देखना है कि ये जो नंबर है कि निगेटिव है या पॉजिटिव। निगेटिव है तो इस जीरो के इस साइड आना है, अगर पॉजिटिव है तो उस साइड, अगर निगेटिव है तो इस साइड, अगर पॉजिटिव है तो इस साइड जाएंगे। बस पहला काम क्या है कि देखो साइन, निगेटिव है, निगेटिव इस साइड आना है। अब 6 है तो इस साइड आओ, नंबर बनाया, यहाँ पे जीरो लिखा, इधर आना है, निगेटिव है, इस साइड आना है। तो आएंगे 1, 2, 3, 4 और इधर -5, -6, ये रिप्रेजेंट हो गया। अगर दूसरा नंबर दिया है 7, अब ये क्या है, पॉजिटिव। इसके आगे साइन कौन सा, पॉजिटिव। मीन्स नंबर लाइन 0 यहाँ पे होगा, पॉजिटिव इस साइड जाना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस यही रिप्रेजेंट करना है। इंटीजर्स में क्या, फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल है। जितना नंबर दिया है, अगर पॉजिटिव है तो इस साइड जाओ, निगेटिव है तो इस साइड आना है। रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल। अब फ्रैक्शन को देखेंगे, फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करें। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मान लेता हूँ एग्जाम्पल 1/2 दिया है, 1/2 नंबर लाइन। पहले इसमें भी वही काम, पॉजिटिव है तो जीरो के इधर जाना है, अगर निगेटिव है तो जीरो के इस साइड आना है, लेकिन ये नंबर है पॉजिटिव। अब एक बात ध्यान देना है कि जो नीचे नंबर लिखा है, ऊपर वाला क्या इससे छोटा है या बड़ा है। ऊपर छोटा है, जब तक छोटा रहेगा, मतलब अगर पॉजिटिव है तो 1 के यहाँ पे 1 है, 1 होता है पहला, तो जब तक छोटा है तो मतलब इस बीच 1 के पहले ही कहानी होगी। अगर यहाँ पे मान लेता हूँ आ जाता 3/2, यहाँ पे आ गया 3/2। अब ऊपर का नंबर क्या है, बड़ा है, बड़ा है मतलब एक के बाद जाना है, पीछे जाना है। और जब तक छोटा रहेगा, यहाँ पे अभी 1 था, मतलब इस एक के पहले कहानी करनी है। क्या समझे, जब तक ऊपर छोटा है तब तक एक के पहले होगा, जो भी होगा रिप्रेजेंट होगा, जो भी होगा वो एक के पहले होगा। लेकिन जैसे ही बड़ा आया 3, मतलब एक के बाद हमें रिप्रेजेंट करना है, एक के पहले रिप्रेजेंट नहीं करना है। बात क्लियर। मान लेता हूँ यहाँ पे क्या था, 1 था, हम जान गए पॉजिटिव था, जीरो के इस साइड गए, 1 पे आए, देखा कि ऊपर छोटा है, मतलब आगे नहीं जाना है, ये पीछे वाला है। अब नीचे कितना लिखा है, 2, इस 1 के 2 पार्ट कर दो यहाँ पे, एक किया तो 1, 2 पार्ट हो गए, मतलब यही वो नंबर है जो 1/2 हो गया, यही वो नंबर है। बात क्लियर है। अगर यहाँ पे लिखा होता, मान लेता हूँ 4/6 लिखा है, अभी भी ऊपर का नंबर छोटा है, ये क्या है, नंबर लाइन पॉजिटिव है, इस साइड जाएंगे, ऊपर छोटा है, अभी तक यहाँ पे 1, मतलब 1 के पहले ही सारे काम करने हैं। नीचे कितना है, 6, अभी ऊपर का नंबर छोटा है, 1 के पहले ही काम करेंगे, जो भी करेंगे इसके पीछे नहीं जाना। अब नीचे 6 है, 6 पार्ट कर दो, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पार्ट हो गए। अब ऊपर कितना लिखा, 4, 1, 2, 3, 4, ये वो नंबर है कि 4/6। क्या बात क्लियर है, समझ में आए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेता हूँ लिखा होता आपके पास 3/8 लिखा है, 3/8 नंबर लाइन बनाएंगे, अभी भी ऊपर छोटा है, पॉजिटिव है, यहाँ जीरो बनाया, 3 ऊपर है, छोटा है, 1 के पहले ही सब काम होगा, 8 है, 8 पार्ट कर दो, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पार्ट हो गए, 1 के पहले हैं सब कुछ, ऊपर कितना है, 3, 1, 2, 3,
ये वो नंबर है 3/8। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल समझ में है। इसी तरह अगर निगेटिव होता, मान लेता हूँ निगेटिव है, अब निगेटिव आ गया -5/6, अभी भी ऊपर का छोटा है, लेकिन एक कहानी बदल गई कि जीरो के हमें इस साइड आना है, जीरो के इस साइड आना है। मान लेता हूँ अभी ऊपर का छोटा है, एक के अंदर ही सब कुछ करना है, करना है। नीचे कितने? छः, छः पार्ट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब ऊपर कितना? -5, 1 2 3 4 5, -5/6, ये वो नंबर है। बात बिल्कुल क्लियर है। अभी आपके पास होता दूसरा -3/7, अभी भी छोटा है ऊपर का, लेकिन निगेटिव है, निगेटिव है, इस साइड आना है। अब 7 यहाँ पे ऊपर छोटा है, मतलब 1 के पीछे ही सारी कहानी करनी है, तो यहाँ पे 7 है, 7 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब यहाँ पे 3, 1 2 3, ये वो नंबर है -3/7। अब हम छोटा सीख चुके हैं, अब अगर ऊपर बड़ा होगा तब क्या करेंगे ये देखेंगे। अब पहले पॉजिटिव में मान लेता हूँ 4/3 है, अब 4/3, अब ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है, अब पॉजिटिव है, तो जीरो के उस साइड जाना है, जीरो के उस साइड जाना, ऊपर बड़ा है, यहाँ पे 1 है, 1 के बाद करना है जो करना है, अभी 1 के छोटा है तो 1 के पहले, अब 1 के बाद, लेकिन कहाँ करना है ये देखना है। अगर ऊपर बड़ा है तो पहले इसे सही बटे में चेंज करो, मतलब इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, क्या इसमें चेंज हो सकता है? हो गया चेंज, हो गया चेंज। अब यहाँ पर जितना नंबर है, पहले वहाँ तो 1 आ गए, जितना लिखा है उतनी दूर पहुँच जाओ। मान लेता हूँ यहाँ पे 3 होता तो पहले 3 पहुँच जाते, 1 2 3, इस 3 के बाद जो भी करना करना है। बात समझ में आई? यहाँ पे 1 था, हमने क्या बताया, ऊपर का नंबर अगर छोटा है तो 1 के अंदर कहानी करनी है, 1 से बड़ा है तो 1 के बाहर कहानी करनी है, लेकिन 1 के बाहर कहाँ पे करनी है ये देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ 2 आता, तो मतलब 2 आता तो 1 2 2 के बाद कहानी करनी है, 2 और 3 के बीच में करनी है। 2 आया यहाँ पे, 2 आया मतलब 2 और 3 के बीच में करनी है। यहाँ पे 1 आया, 1 के अंदर नहीं करना है, 1 और 2 के बीच में करना है, 1 और 2 के बीच में करना है। अब देखो नीचे कितने हैं, 3, 3 पार्ट करो भाई, 1 2, 1 2 3 है, हो गए इसके 3। अब 1 के बाद कर रहा हूँ, ऊपर कितना लिखा है, 1, मतलब ये वाला वो नंबर है जो 4/3 है। बात समझ में नहीं? एक अगला एग्जांपल मान लेता हूँ, कितना होता 9/2, 9/2 है, पॉजिटिव है, नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे 0, अब बड़ा ऊपर है मतलब 1 के बाद है, इसे पहले उसमें चेंज करो, इसे करेंगे 1/2, हो गया, हो गया। यहाँ पे 4 लिखा है, 4, 1 2 3 4, इन 4 को छोड़ दो, यहाँ पे काम नहीं करना है। अब 4 तो पूरा पूरा छोड़ दो, अगला क्या है, 5, मतलब 4 और 5 के बीच में करना है। अब ये नंबर कितना लिखा है, 1/2, पढ़ चुके हो कि अब ऊपर छोटा होता है, तो अब इनके बीच में 2 नीचे 2 टुकड़े कर दिया, 1 2, यही वो नंबर है जो 9/2 है। यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, ये था 9/2। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। अगर इसी तरह निगेटिव होता, चल एक और पॉजिटिव का पहले एग्जांपल देखते हैं, मानता हूँ 8/3 होता, 8/3, इसे ये बड़ा है, पहले इसे चेंज करो, कितना आएगा, 2/2, ये इतना आ गया, इतना नंबर लाइन पॉजिटिव है, 0 जाओ, यहाँ पे 2 लिखा है, 2, 1 2, अब 2 ये पूरे पूरे छोड़ दो, अगला इसके बीच में कहानी करनी है। नीचे कितना लिखा है, कितना लिखा है भाई, यहाँ पे 3 था यार, सॉरी, यहाँ पे 3 है, तो मतलब 3 पार्ट करो, पहले 2 था, मैंने 1 2 छोड़ दिया, अब ये जो वाला नंबर बचा है, इनके इनके बीच में कहानी करनी, कितने हैं, 3, 1 2, 1 2 3 पार्ट कर दिया, ऊपर कितना है, यहाँ से जाओ, 1 2, क्या बात नहीं समझ में आई? यहाँ पे वो नंबर है जो 8/3 है। बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया? अब निगेटिव नंबर होता, निगेटिव नंबर मानता हूँ -5/6 होता, -5/6, अभी ऊपर छोटा है, निगेटिव है, ऊपर छोटा है, ऊपर छोटा है, मतलब एक के अंदर कहानी करनी है, एक के अंदर,
इसके सिक्स पार्ट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे किया पाँच, ऊपर छः पार्ट हो गए, ऊपर कितना है पाँच, एक दो तीन चार पाँच, मतलब माइनस फाइव बाई सिक्स। जब ऊपर छोटा था तब देखो मैंने एक के अंदर किया, बिल्कुल क्लियर है। अब यही अगर बड़ा होता तब क्या करते, ये था सेवन है बड़ा, अब बड़ा है, बड़ा है ना, तो यहाँ पे निगेटिव है, जीरो के इस साइड आएंगे, निगेटिव है जीरो के इस साइड आएंगे, तो बड़ा है, हमने कहा पहले वैसे चेंज करो, वन से ही वन अपॉन सिक्स, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे वन आया, वन पूरा का पूरा छोड़ देंगे। अब इसके बाद ये इतना लिखा हुआ है, नीचे कितना है छः, छः पार्ट करो अगले, मतलब अगला जो नंबर है उनके बीच में कहानी करनी है, छः पार्ट, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे कितना है वन, वन है मतलब यहाँ पे, इसके बाद एक, तो यहाँ पे आएगा वही ये नंबर है माइनस सेवन बाई सिक्स। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, अगर समझ में आ गया तो कमेंट ज़रूर करें। ओके।